देश को वंदे भारत जैसी स्पीड सौंपकर, छोटे शहरों को खुले आसमान की ऊंची उड़ानें देकर, भारत में दुनिया का मेला सजाकर, सियासत के नए समीकरण बनाकर साल 2023 बस बीत चला। ऐसे में अगर यह आकलन किया जाए कि कौन होगा 2023 का मैन ऑफ द ईयर, तो साल 2023 का हर घटनाक्रम खुद इसका ऐलान करता दिखता है कि कूटनीति के शिखर से जनता के दिलों तक, सियासत के शीर्ष से विकास की गारंटी तक कौन है मैन ऑफ द ईयर 2023। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। जो सत्ता के सारे तय मानकों को ध्वस्त कर नई परंपराएं गढ़े। मैं भजन लाल शर्मा अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो चुनावी चालों के सारे चक्रव्यूहों को तोड़कर नया इतिहास रचे। हर बूथ पर कमल खिलाना है। जो जीत की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी, मोदी। जिसके आह्वान पर कोटि कोटि जनता चल पड़े। मोदी, 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 मोदी। और जिसकी गारंटी पर हो देश को भरोसा, वो है मैन ऑफ द ईयर। ये जो प्यार, ये जो स्नेह मुझे मिलता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपकी सेवा करने की शक्ति देता है। मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमें अपना हर बूथ जीतना है, बूथ पर हर वोटर का दिल जीतना है। जब तक हर बूथ पर कमल नहीं खिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जिसके एक कथन पर दुनिया के शक्तिशाली समूहों की सूरत बदल जाए। अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। जिसके एक आह्वान पर दुनिया के कूटनीतिक रास्ते जुड़ जाएं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है। जो दुनिया को एक परिवार होने का एहसास कराए कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदले। जिसकी गारंटी पर करे दुनिया यकीन, वो है मैन ऑफ द ईयर। Mr. Modi is the boss. I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership and your friendship. जो मुश्किलों में हौसलों का हाथ दे। आपने इशारा धैर्य रखा, मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे। भारत माता की। जो संकट में देशवासियों को जीवन का विश्वास दे।
लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से, जिसकी गारंटी बन जाए देश का गौरव, वो है मैन ऑफ द ईयर। इंडिया इज ऑन द मून। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। तस्वीरें कई हैं साल 2023 के एल्बम में, लेकिन जो एक तस्वीर काम की गारंटी के पूरा होने की गारंटी बनकर उभरती है, वो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी की। 2023 की प्राचीर पर खड़े होकर 2047 में विकसित भारत की गारंटी का कोई साहस देता नजर आता है, तो उस गारंटी का नाम है प्रधानमंत्री मोदी। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है, और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। क्यों है मोदी मैन ऑफ द ईयर? क्यों है मोदी जनता की नजर में सबसे तेज राजनेता ऑफ द ईयर? क्यों है मोदी दुनिया के लिए लीडर ऑफ द ईयर की गारंटी? ये आज हम बताएंगे। साल 2023 में तय किए गए एक एक मील के पत्थर को पलट कर देखेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कोई बन जाता है तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए मैन ऑफ द ईयर। बताएंगे कि कैसे कोई बन जाता है भारत जैसे विशाल देश में जनता के विश्वास की गारंटी। साल में कई ऐसे मौके आए जब निर्णय लेने की क्षमता, दूरदर्शिता, जुझारूपन और लोकप्रियता जैसे मुद्दों पर किसी भी लीडर की परीक्षा होती। साल 2023 में भी ऐसे कई पड़ाव आए जो एक लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपनी भूमिका अदा की, ये भी अपने आप में एक मिसाल छोड़ जाता है। मोदी आने गारंटी पूरी करने की गारंटी है। मोदी तो करेगा, मोदी जो गारंटी देता है ना वो पूरी करता है। मोदी, मोदी, मोदी। साल 2023 के खाते में मोदी की गारंटी सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं, बल्कि जनता के बीच लोकप्रियता की गारंटी बनकर दर्ज रहेगी। क्योंकि जिस तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंपर कमल खिला, उस तरह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। तीनों बड़े राज्यों में मोदी का चेहरा, मोदी का काम और मोदी की गारंटी ही जनता के सामने थी, और इन चुनावों के ठीक सामने 2024 के आम चुनावों की बिसात भी बिछ रही थी। पीएम मोदी ने मैराथन रैलियां की, रोड शोज किए, विपक्ष पर विशेष रणनीति बनाकर चुन चुन कर ऐसे प्रहार किए जिनका जवाब विपक्ष के पास नहीं था। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। 2023 में मोदी की गारंटी बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हुई। सरकारें तो बनी ही, 2024 के लिए नए चेहरों की टीम भी मिली। खुद संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता रहे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ। उसने एक तीर से कई निशाने साध दिए। चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी का दम भरा तो उसके पीछे एक और गारंटी के पूरा होने की तारीफ थी। तारीफ समय पर श्री राम मंदिर निर्माण की गारंटी पूरा होने की। राम लला के मंदिर में
गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। करीब 500 साल का संघर्ष था मंदिर निर्माण के पीछे, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के मन का मंदिर बनना था। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्माण के हर चरण पर निगरानी रखी, देश को तय समय पर निर्माण की गारंटी दी। 2023 के जाते जाते वो गारंटी भी पूरी होती दिखी। एक सरप्राइज टाइप था हमारे लिए कि हमें किसी ने बताया भी नहीं था कि मोदी जी वहां पे आ रहे हैं, तो एक्चुअली उससे बहुत बिल्ड हुआ जब वो आए वहां पर, सबसे एक दूसरे से वन बाय वन बात किए और ऐसे बात किए कि हाँ जो जरूरत थी शायद उसकी। तब चंद्रयान की असफलता ने देश को मायूस कर दिया था, करोड़ों भारतीयों का दिल टूटा था, लेकिन किसी का हौसला न टूटे इसके लिए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को फिर से मिशन में जुटने और जीत का विश्वास जगाया। साल 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद उस विश्वास की विजय देखी। इंडिया इज ऑन द मून सर।